गैस सबसे पहले अगर आपने जो है अभी तक अपनी एक वेबसाइट को बनाना चाहते हो तो आपको एक डोमेन और होस्टिंग की जरूरत पड़ती है सबसे पहले, ठीक है। लाइक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है, समझ लो बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का गुजारा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अगर गर्लफ्रेंड नहीं है बॉयफ्रेंड के पास तो उसका भी गुजारा कभी भी जिंदगी में नहीं होगा, तो दोनों का एक दूसरे के बिना गुजारा नहीं होता। इसीलिए डोमेन और होस्टिंग भी ऐसे ही है, डोमेन इज इक्वल टू वेबसाइट नेम जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बट उसका जितना भी डेटा जो स्टोर होता है डेट इज अ होस्टिंग, होस्टिंग को कहते हैं हम, जिसके अंदर उस वेबसाइट का सारा डेटा जो है स्टोर होता है। ओके, अब जैसे होस्टिंगर एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर डोमेन और होस्टिंग आप बहुत ही ज्यादा सस्ते कम रेट में जो है खरीद सकते हो, बट दिस इज नॉट अ गुड एन आइडिया क्योंकि यहां पर थोड़ा सा महंगा भी मिलता है। अगर आपको 450 रुपए के अंदर डोमेन या 10 रुपए के अंदर होस्टिंग भी खरीदनी है तो आप मेरे से कॉन्टेक्ट एक बार जरूर कर लेना, ठीक है। इस होस्टिंगर के ऊपर प्लान बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ते हैं, .com डोमेन भी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है, ठीक है, जो 800-900 रुपए की पड़ती है, और साथ में होस्टिंग का प्लान होता है वो 40 रुपए महीना, बट मैं आपको 10 रुपए महीना के आसपास जो आपको होस्टिंग दे सकता हूं, ठीक है। तो चलो यहां पर इसके ऊपर आपने अकाउंट जो है क्रिएट कर लेना है, चाहे गूगल के साथ या किसी के साथ भी आप अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक डोमेन को सर्च करना है, आप इस वेबसाइट पर जाओ, फिर उसके बाद अपना डोमेन, जो भी डोमेन नेम आप सर्च करना चाहते हो वो डोमेन आप यहां पर सर्च करो कि मेरे को जो है इस नाम के ऊपर मेरे को वेबसाइट बनानी है, ठीक है। जैसे कि आपने डोमेन नेम सर्च करना है, फॉर एग्जांपल प्रिया ब्यूटी, प्रिया ब्यूटी सलून, या फिर जो है प्रिया मेहंदी वाले हाथ, या कुछ ऐसा ही जो भी है priyamehndi.com, ठीक है। तो ऐसे जो है कोई भी आप जो है डोमेन नेम यहां पर सर्च कर सकते हो, जो भी अवेलेबल होगा उसको आपने चेकआउट करना है, पेमेंट कर देना है, ठीक है। तो ऐसे ही आपने इस होस्टिंग वाले पेज के अंदर जाना है, और ऐसी होस्टिंग वाले पेज के अंदर भी आपको यहां पर होस्टिंग के कुछ प्लान मिल जाते हैं, यहां पर मिलता है कि आपको क्या क्या कुछ मिलने वाला है, ठीक है। जैसे सब डोमेन है, ईमेल अकाउंट है, ठीक है, और इसका बैंडविड्थ कितना है, कितना GB स्टोरेज मिलेगा, कितनी वेबसाइट्स को एक्सेस कर सकते हो, ऐसे सर्टिफिकेट मिलेगा या नहीं, और एच पैनल मिलेगा, कितना स्पीड जो है, अप टाइम गारंटी है, ये सारे प्लान्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप यहां पर देख सकते हो। इसके बाद आपने इस प्लान को भी ऐड टू कार्ट करना है, जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है आपके बजट के अंदर उसको भी आपने चेकआउट कर लेना है। ओके, अब ये दोनों चीजें हमारी हो गई, अब चलना है हमने इसे अपने अकाउंट के अंदर, जहां से हमने इसको, जो भी हमारा डोमेन होगा उस डोमेन को आपने क्लिक करना है। यहां पर आ जाएगा आपको एक मैनेज वाला बटन, आपने मैनेज वाले क्लिक के ऊपर क्लिक करना है। बट अगर यहां पर अगर आपने होस्टिंगर के साथ ही अपनी डोमेन भी खरीदी है, अपनी होस्टिंग भी खरीदी है, तो आपको कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर नेम सर्वर ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट पीछे से ही लगकर आएंगे। बट अगर आपकी डोमेन है जैसे गोडेडी के ऊपर और होस्टिंग है आपकी यहाँ पर, तो यहाँ का जो होस्टिंगर का जो भी होस्टिंग जहां से भी खरीदी है वो एक नेम सर्वर देते हैं, जैसे dns1.successrocket.in, dns12.successrocket.in, जैसे सस्ती होस्टिंग है उनका है नेम सर्वर ns1.sasti-hosting, जैसे इनका है होस्टिंगर का ns1.dns-parking.com, ns2.dns-parking.com। जो होस्टिंग जहां से भी होस्टिंग खरीद रहे हो उसका जो ये नेम सर्वर मिलता है इसको आपने कॉपी करना है, और जहां से भी आपने डोमेन खरीदी है, डजंट मैटर कि आपने गोडेडी से खरीदी है, बिग डॉग से खरीदी है, या नेमचीप से खरीदी है, सस्ती होस्टिंग, सक्सेस रॉकेट, कहां कहीं से भी खरीदी है, ठीक है, तो वहां पर जाकर आपने डोमेन के अंदर होस्टिंग के इन नेम सर्वर को डालना होता है जी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी डोमेन और होस्टिंग यहाँ पर से खरीदी हुई है, ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप यहाँ पर नेम सर्वर के अंदर जाने के बाद यहाँ पर चेंज के ऊपर क्लिक करके सकते हो, और साथ में यहाँ पर नेम सर्वर अपने डाल सकते हो। ओके, यार ये ना साला लैपटॉप की बैटरी बड़ी जल्दी खत्म हो जाती है यार, मजा नहीं आता यार वीडियो बनाने का, है ना। तो अब यहाँ से डोमेन मैंने यहीं से खरीदी हुई है, ठीक है, और मैंने होस्टिंग भी यहीं से खरीदी हुई है, तो यहाँ पर जो नेम सर्वर आते हैं NS1, तो यहाँ पर आपको चेंज करना है जहाँ से भी आपने होस्टिंग खरीदी है। बट मैंने यहाँ से होस्टिंग खरीदी है होस्टिंगर की, तो होस्टिंगर के जो नेम सर्वर है वो है ns1.dns-parking.com एंड ns2.dns-parking.com, ये दोनों नेम सर्वर हैं और यहाँ पर ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो यहाँ पर मेरे को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, देन उसके बाद यहाँ पर चलते हैं वेबसाइट को कैसे ऐड करते हैं।
आपने जो है अपने यहाँ पर होस्टिंगर के ऊपर आपको लिखा है होम होस्टिंग ईमेल डोमेन, यहाँ पर होस्टिंग के ऊपर आपने क्लिक करना है और ऐड अ वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ऐड अ वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपने अपनी वेबसाइट का नाम डाल देना और उसको ऐड ऑन कर देना है। अब जैसे ही आपने अपनी वेबसाइट को ऐड ऑन करने जाओगे तो वो बोलेगा कि वेरीफाई योर डोमेन ओनरशिप। ठीक है, अपनी डोमेन को वेरीफाई करो कि क्या ये सच में साली तुम्हारी वेबसाइट है या साली तुम किसी और की जो है वेबसाइट को हैक करना चाह रहे हो। सबसे पहले मैं चलता हूं यहां पर व्हाट इज माय डीएनएस, सबसे पहले मैं चेक करूंगा कि मेरा जो डीएनएस चेकर है, डीएनएस प्रोपगेशन है क्या, जो मेरी डोमेन है, जो मेरी वेबसाइट है वो किस वेबसाइट पर जो है होस्ट हो रही है। ठीक है, तो ये जो मेरी वेबसाइट है msti.in, तो इसे मैंने अपने होस्टिंगर के साथ जो है एड ऑन किया है। ओके, हालांकि मैंने MJ7 को भी किया है बट वो अभी ऐड नहीं हुई। अब ऐड हुई है या नहीं हुई है, उसके साथ जो है डोमेन के साथ होस्टिंग के लिंकिंग हुई या नहीं हुई, वो कैसे पता लगता है, ये जो whatsmydns.net इसके ऊपर जाओगे, आप अपना कोई भी डोमेन सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मेरा है msti.in, तो यहाँ पर ये जो IP आ रहा है ये आपके होस्टिंगर के अंदर या फिर जहां से भी आपने होस्टिंग ली है वहां पर आपको एक IP दिखाएगा और उस IP से अगर ये मैच कर गया डैट मीन डोमेन और होस्टिंग दोनों कनेक्ट हो चुकी है। अगर नहीं किया तो डैट मीन कि अभी इसको 24 आवर्स या फिर 48 घंटे ऑलमोस्ट जो है लगेंगे, एक दो दिन लगेंगे, तब उसके बाद साथ ये उसके बाद ये जाकर अपडेट होगा। ओके, तो अब मैं msti.in इसके ऊपर मैनेज के ऊपर चलता हूँ और देखता हूँ ये जो मेरा यहाँ पर IP एड्रेस है ये यहाँ पर H पैनल के अंदर दिखाता है, C पैनल में आपको राइट हैंड साइड के अंदर दिखाएगा शेयर IP के कुछ ऐसा नाम होगा। अब यहाँ पर ये जो IP एड्रेस है और ये मेरा जो IP एड्रेस है ये देखो msti.in, ये दोनों IP एक दूसरे के साथ मैच कर रहे हैं, मतलब मेरी जो है वेबसाइट है, मेरी जो डोमेन है वो होस्टिंगर की होस्टिंग के साथ जो है कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं इस पर कोई भी काम कर सकता हूँ, अपनी वेबसाइट को ऐड ऑन कर सकता हूँ, वर्डप्रेस या फिर जो है HTML या कुछ भी जो है अपनी वेबसाइट को बना सकता हूँ, वेबसाइट को बिल्ड कर सकता हूँ। अब कैसे पता लगेगा कि ये मेरी वेबसाइट जो है इसके साथ ऐड ऑन नहीं हुई है अभी तक, मतलब आपने अभी डोमेन नेम सर्वर को ऐड ऑन किया है तो एक दो दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। अब मैं आपको mg7.in आपको दिखाता हूँ, mg7.in यहाँ पर जो मैं दूसरी वाली डोमेन को सर्च कर रहा था जिसका मैंने txt मैंने रिकॉर्ड ऐड ऑन करना है। ओके, अब यहाँ पर सर्च किया, यहाँ पर ये जो IP एड्रेस आ रहा है ये किसी और का IP एड्रेस आ रहा है, मतलब मेरी होस्टिंगर का, मेरी जहाँ से मैंने होस्टिंग खरीदी वहाँ का IP एड्रेस ये नहीं है, मतलब मेरी जो डोमेन मेरे होस्टिंग के साथ अभी कनेक्ट नहीं हुई है। अब जो डोमेन हमारी इसके साथ जो है अटैच नहीं है तो उसे हमने अटैच कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। नेम सर्वर हमने जो है सबसे पहले अपडेट कर लेने हैं, उसके बाद आपको ऊपर ऐड अ वेबसाइट का जो है आपको ऑप्शन मिलेगा, ऐड अ वेबसाइट के ऊपर आपने क्लिक कर देना। फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव अ मल्टीपल डोमेन, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास msti.in है, उसको मैंने ऑलरेडी कनेक्ट किया हुआ था, अब मैंने एक और डोमेन को जो मैंने ऐड ऑन करना है तो वो है mj7.in, तो यहाँ पर डोमेन का नाम डाल सकता हूँ, नीचे 1234 जो भी पासवर्ड आपने डाला है वो आप पासवर्ड आप डाल सकते हो। ओके, DNS जोन एडिटर के अंदर जाना है और यहाँ पर हमने जो है एक txt रिकॉर्ड हमने जो है ऐड ऑन कर देना है अपनी डोमेन की वेरिफिकेशन करने के लिए, ये मेरी ही डोमेन है किसी और की डोमेन नहीं है। txt के अंदर जाना है, नेम टाइप ए के अंदर आपने सर्च करना है txt और यहां पर जो नेम आएगा इसके अंदर अपनी वेबसाइट का जो भी आपका डोमेन का वेरिफिकेशन का की होगा वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, नेम के अंदर जाना है और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ mj7.in, तो ये यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि हैप्पी टू सी यू विथ होस्टिंगर, मतलब वो कह रहे हैं कि वेलकम है कि आपने हमारा जो है हमारी तरफ से अपना जो है डोमेन को खरीदा है, हमें बहुत खुशी हुई है। तो हमने क्या किया है उस डोमेन को जो है कॉपी किया और यहाँ पर से HTTP को हटा देते हैं, mj7.in डाल दिया और जो TTL की जो वैल्यू है वो वैसे ही रहेगी। ठीक है, ऐड एडवोकेट के ऊपर हमने क्लिक कर दिया, DNS रिकॉर्ड हमारा इधर से भी सक्सेसफुल हो गया और डोमेन की वेरिफिकेशन भी हमारी हो गई। नीचे लास्ट के अंदर जाओगे और हमारा सी नेम msti.in यहाँ पर आ गया है, txt की वैल्यू mj7 की यहाँ पर जो है शो कर रह गया और हम अपनी डोमेन को एक बार जो है दोबारा से सर्च करेंगे। फॉर एग्जांपल जो मेरी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी है msti.in, तो वो बोल रहा है आपका अकाउंट सक्सेस हो जो क्या है क्रिएट हो चुका है, तो अब आप अपनी डोमेन पर जो है काम कर सकते हो, अपनी वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। अगर मैं mj7.in की बात करूँ तो उसको अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक दो दिन, क्योंकि मैंने उसे
अभी अभी मैंने उसको जो एड ऑन किया है, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ओके। देन उसके बाद जैसे ही आपका अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड आ जाएगा, तो मतलब आपकी डोमेन उसके साथ जो है वेरीफाई हो चुकी है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने होस्टिंग करके डोमेन होस्टिंग और इसके अंदर जितने भी सारे टूल्स हैं, एच पैनल इज अ गुड, बट सी पैनल की जो बात है वो आपको एच पैनल के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि उसके अंदर जो है हमें मजा आता है, उसके अंदर हमारी हैबिट बन जाती है, और सी पैनल के ऊपर काम करना बहुत ही मस्त और दमदार मज़ेदार रहता है। अगर आपको एक सी पैनल की होस्टिंग चाहिए, 10 रुपये के अंदर होस्टिंग चाहिए, 450 रुपये के अंदर .com डोमेन चाहिए, मेरे से एक बार कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना। अपनी जो है वर्डप्रेस ब्लॉगिंग, ई कॉमर्स वेबसाइट, रीसेलर डोमेन और होस्टिंग की वेबसाइट बनाना चाहते हो, वो भी आप बना सकते हो बहुत ज़्यादा सस्ते में, एक बार कॉन्टैक्ट शुरू कर लो। अगर आप जो है एक वेबसाइट को डेवलपमेंट कराना चाहते हो 500, 1000, 2000, 3000 के अंदर, मेरे से कॉन्टैक्ट एक बार ज़रूर करो, ठीक है। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एक बार वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वीडियो के अंदर आपको इतनी देर तक, लास्ट तक बने रहे, बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।